की सहायता केंद्र में आपका स्वागत है। दिस कॉल सेंटर इज ओनली फॉर टेक्निकल क्वेरीज रिलेटेड टू rrbapply.gov.in। फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू ALP और अदर CAN एग्जाम प्लीज कीप चेकिंग द RRB's ऑफिशियल वेबसाइट। ये कॉल सेंटर केवल rrbavedan.gov.in से संबंधित तकनीकी प्रश्नों के लिए है। ALP या अन्य CEN परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया RRB की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करते रहें। वी आर कनेक्टिंग द कॉल टू आवर एजेंट। नमस्कार, RRB की सहायता केंद्र में आपका स्वागत है। मैं किरणदीप, आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? मैम, मैंने RRB जी का फॉर्म फिलअप किया था, है ना? तो जी सर, आप थोड़ा लाउड बोलेंगे। मैंने RRB जी का फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है? तो हुआ क्या, पेमेंट भी किया, पेमेंट कट भी गया, उसके बावजूद मैसेज आया प्रोसेसिंग का, ठीक है? उसके बाद डेट एक्सपायर हो गई, ठीक है? तो मेरा पेमेंट हो नहीं पाया, सबमिट हो नहीं पाया फॉर्म, तो क्या होगा, कुछ आइडिया है? तो सर, इसमें अभी कोई एक्सटेंशन तो नहीं है, क्योंकि अभी आगे पेमेंट तो नहीं हो सकती आपकी। जो आपकी पेमेंट हुई है सर, वो आपकी रिफंड हो जाएगी। नहीं, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ मैम। जब वो हुआ ही नहीं तो रिफंड क्या करोगे आप लोग, बताओ? वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। और सर, डिडक्ट हुई है आपके, मतलब? हाँ, डिडक्ट हुई थी, वो फिर फेल्ड हो गया था, फिर वो वापस आ गया। जी सर, तो अभी इसके लिए हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मुझे मैम एक सुनो सुनो, मुझे ये जानना है, तो एरर तो मेरी नहीं है, टेक्निकल टीम की एरर है वे या वेबसाइट की, कह सकते हो, बट हुई तो आप ही लोगों की ना। जी जी सर, मानते हो कि नहीं? बट सर, ऐसा है कि अभी आपने कब की थी अपनी पेमेंट? जी, डेट को की थी आपने? वो 29 को। किस डेट को? 29 सर, हमारी लास्ट डेट थी जो। हाँ, तो 29 से पहले की थी ना मैम? जी जी, उस टाइम सर रश बहुत था, साइट हमारी बिल्कुल स्लो चल रही थी, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई। नहीं है। नहीं, मैंने एक दो दिन पहले भी ट्राई किया था, मेरा फेल्ड हो गया था, पेमेंट प्रोसेसिंग आ रहा था, फिर फेल्ड हो गया था। जी सर, तो उसमें अभी तो हमारी जो लास्ट डेट है वो तो चली गई है, उसमें अभी कोई एक्सटेंशन भी नहीं। ठीक है, आई एग्री, एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सके। नहीं, आई एग्री, ठीक है, बट RPF का भी सेम सिचुएशन थी, आप लोगों ने डेट एक्सटेंड की थी, व्हाई, रीजन, एनी रीजन? सर, वो अलग से वेबसाइट है, उसके अलग से उन्होंने अब किया है, बट हमारी जो RRB है उसने अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि अलग से। व्हाट यू मीन, अलग से क्या होता है, इसी में आया था नोटिफिकेशन। आपकी RRB की एक ही वेबसाइट होती है मैम, ठीक है ना? अप्लाई की तो एक ही वेबसाइट है ना, तो आप ये कैसे कह सकते हो अलग से वेबसाइट थी वो? जी सर, वो ऐसा है कि सर अभी हमारे पास भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया सर डेटा एक्सटेंशन का, वरना हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। नहीं, प्रोवाइड क्या, वो तो फिर वो तो हर कोई देख पाता, मैं तो इसीलिए फोन किया है, कुछ हो सकता है कि नहीं, कुछ बात चल रही है वहाँ पे? नहीं चल रही है। नहीं सर, अभी अभी तक सर कोई कंफर्मेशन नहीं है। नहीं, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, बट मेरी, जैसे मैंने कॉल किया आपको, ठीक है, तो ऐसे और भी कॉल आती होंगी आप लोगों को इस डिमांड की, मतलब पेमेंट रिलेटेड? जी सर, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बट उनके पर उनके लिए भी सर हमारे पास यही जवाब है कि हमारे पास अभी कोई कंफर्मेशन नहीं तो है। तो आप लोग कुछ नहीं करा सकते? जी सर, अगर आपको सर कोई इशू आ रहा है तो आप एक बार हमारी जो ऑफिशियल मेल है उस पे मेल कर दीजिए। आपको उसमें अगर देखो, मेल तो मैम डिफॉल्ट मैसेज आता है, मान लो मैंने मेल कर दिया, ठीक है, वो तो बस एक ही मेल आता है वहाँ से रिप्लाई, वो डिफॉल्ट, वो कोई मैनुअल तो होता नहीं है, ऑटोमेटिकली आप लोगों ने सेट कर रखा है डाटा, वही आता है कि तुम्हारी डेट एक्सपायर हो गई है, आप कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ होता है तो आप देखते रहें वेबसाइट को, कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो आप देखते जी रहें। सर, नोटिफिकेशन आएगा तो सर वही, वो तो देख ही लेगा। मैंने तो कॉल की है संतुष्टि के लिए की होगी, है ना? जी सर, एक मिनट सर, आप होल्ड रखिए।
जी सर, होल्ड पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जो आरआरबी की जो साइट है, हमने भी उनके जी पास ये कंसर्न भी रिलीज किया है कि ये कंसर्न आ रहा है हमारे पास, बट उनकी तरफ से भी हमारे पास सर कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आया तो सर आप हमारी लोगों के ऑफिस पास अलग नोटिफिकेशन आता है मैम, फिर आप की, लोग खुद आरआर जी 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 सर, हम आरआरबी के आगे कंसर्न आपका शेयर किया है सर। आरआरबी की साइट ने देना सर, जो भी एक्सटेंशन होती है वो आरआरबी की साइट देती है। वो तो मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों को कस्टमर जी सर, जो अभी कस्टमर हमारे केयर पास बैठाया भी सर गया कोई है ऐसा जी, अभी तक हमारे पास भी सर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर मैम, दिया वो तो जाएगा सर। बात आपकी ठीक है, बट 7 दिन हो चुके हैं ना, तो अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। फिर अब 1 महीने बाद मैं कॉल करूंगा, सेम लाइनें होंगी आप लोगों की भी, कुछ नोटिफिकेशन जी आएगा, फिर सर, तो जी कुछ हो ही नहीं सकता ना बाद में। हो सकता है तो अभी हो सकता है कुछ। जी सर, मैं समझ सकती हूँ, बट हमारे पास भी ऑफिशियली सर कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। तो उम्मीद है आप लोगों को 1-2% की नहीं? सर हमने अपना जो जो भी है क्लाइंट्स के कंसर्न आ रहे हैं वो हमने आगे फॉरवर्ड किए हैं, बट हमारे पास अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सर आपको मेल पे आ जाएगा। अच्छा जी सर, इसके अलावा सर अगर कोई हेल्प कर सकती हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर। हाँ, एक हेल्प हो रहा है। मैंने लास्ट जी टाइम सर कभी पहले फॉर्म फिलअप किया था है ना, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा उसका पेमेंट नहीं आया अभी जी जो जी वापसी सर, आता है। आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? आरआरबी जेई था लास्ट टाइम, दो जेई के लिए की? हजार उन्नीस आई थिंक। ओके सर, तो उसके लिए आपने सर मेल की होगी सर नहीं, आपको, मैंने एक कोई मेल बार नहीं की है, ट्रांजेक्शन मैंने आईडी कोई आपने, मेल तो नहीं की थी उस टाइम। सर उसका रिफंड सर अगर आप मेल करते तो उस पर आपको रिवर्ट आता सर। तो अब अभी नहीं होगा जैसे कुछ, अभी आपने मेल की है, अब नहीं जी सर होगा? अभी जैसे आपने मे अभी सर आपने जैसे पेमेंट की है जेई के लिए, अभी उसके लिए आपने मान लीजिए अभी कोई एक्सटेंशन नहीं है, मान लीजिए उसके लिए आप मेल करते हो तो उसके ऊपर सर आप रिवर्ट आएगा आपको, जो हमारी मेल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आएगा सर। अच्छा, तो जी सर, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, जी सर, ये तो गलत बात है मैम। प्रॉब्लम तो जी आपको सर अभी पहुंचाना है हमने ना भी वहाँ तक, आगे, जी सर हर हमने चीज़ अभी का सॉल्यूशन सभी मेल ही नहीं मतलब होता। अगर कस्टमर्स मेल ही का, होता ना, तो आप लोगों का एक कॉल नंबर ना होता। जी सर ऐसा है कि सर हमने भी बहुत सारे क्लाइंट्स का कंसर्न आगे भेजा हुआ है, बट हमारे पास भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं तो आया। उन्हें थोड़ी मतलब प्रेशर करो मैम, ये थोड़ी होता है कि आप लोगों की डिमांड तो आ रही है बट आप पहुंचा भी रहे हो उन तक मैसेज, उनका क्यों नहीं रिप्लाई आ रहा है? एटलीस्ट ये तो निकाल दे, नहीं बढ़ सकती, खत्म बात। कोई बंदा कॉल ही नहीं करेगा आप लोगों के पास, कोई मेल ही नहीं करेगा, टाइम तो बर्बाद हो रहा है ना लोगों का। जी सर, हमने अभी इसी आस कंसर्न में आगे बैठे हैं भेजा और कि बढ़ जैसे जाएगी तो रिस्पॉन्स देखते आएगा। हैं। अरे वो तो अलग चीज है, कल को क्या होता है नहीं होता है वो तो इन्फॉर्म हो ही जाएगा। जी तो आप लोगों पे कुछ टेक्निकल टीम, आपके सीनियर भी तो होंगे ना मैम, जी सर, बट वो ऐसा है उनका कि कोई सर हमने रिस्पॉन्स भी ही नहीं आगे आता क्या? कंसर्न, जी सर मैं आपको यही एक बात ही सर 10 बार भी बता चुकी हूँ कि हमने भी आपका कंसर्न आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। जैसे कोई सर मेल आती है वो आपके पास मेल आ जाएगी, जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा। चलो ठीक है, जी सर, आरआरबी के सहायता केंद्र में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।